नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। हमारे प्रदेश में इन दिनों सभी पार्टियां रैलियां करने में जुटी हैं। सभी पार्टियों की कोशिश एक दूसरे पर बढ़त बनाने की है। पिछले दिनों रेवाड़ी में नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी, तो अब बीजेपी ने सोनीपत में रैली की है। इस रैली में राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी मौजूद थे। उधर इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकदल 1 नवंबर को कुरुक्षेत्र से हुंकार भरने जा रही है। रैलियों के इस दौर में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी 10 नवंबर को गोहाना में अब तक सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने का दावा कर रही है। उधर कुलदीप बिश्नोई भी विजय अभियान के जरिए हजका का सियासी ग्राफ बढ़ाने में जुटे हैं। यह अलग बात है कि पिछले सप्ताह कई हजका नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया और बिश्नोई साहब को झटका दे दिया। ऐसे में आज के शो में हम कई गंभीर सवालों पर चर्चा करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ होगा कि हरियाणा की बिसात पर फिलहाल क्या सियासत चल रही है। एक रिपोर्ट देखिए और जायजा लीजिए कि प्रदेश में इस वक्त सियासी हलचल है क्या। इस बार हरियाणा में किस पार्टी की दिवाली होगी और कौन इस बार हरियाणा में सत्ता की मिठाई खाने वाला है, इन सवालों के जवाब फिलहाल बेहद मुश्किल हैं। बावजूद इसके बयानों की आतिशबाजी खूब हो रही है। त्योहारों के सीजन में हरियाणा की सियासत रैलियों में उलझी हुई है। सभी पार्टियां एक से बढ़कर एक रैली करने का दावा कर रही हैं और सत्ता की इस बिसात पर बढ़त बनाने की फिराक में है। संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस पार्टी बढ़ते हरियाणा के बढ़ते कदमों का एक नया नक्शा प्रस्तुत करेगी। हजारों करोड़ रुपए की नई जन कल्याण नीतियों और योजनाओं का अनावरण हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस रैली के मंच से करेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से एक तरह से चुनावी बिगुल होगा। 10 नवंबर को कांग्रेस गोहाना में बड़ी रैली करेगी। उधर इनेलो ने 1 नवंबर को कुरुक्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन करने का फैसला किया है। कृष्ण की कर्म भूमि है, जहां उन्होंने अर्जुन को पापियों को अंत करने के लिए संदेश दिया था गीता में, तो हम वहां संकल्प लेंगे। कांग्रेस ने बहुत पाप किए, इस देश और प्रदेश को जहां लूटा है, 80 साल के बुजुर्ग को एक साजिश के तहत जेल में बंद किया है। तो हम संकल्प लेंगे कि जब तक पापियो को अंत करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री नहीं बैठ बनाएंगे, हमारे कार्यकर्ता चैन से नहीं लेते। बीजेपी भी रैलियों के जरिए ताकत दिखा रही है। पिछले दिनों रेवाड़ी में नरेंद्र मोदी की रैली का आयोजन हुआ था, तो अब सोनीपत में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी की जनसभा कराई गई। इस रैली में सुषमा स्वराज ने कुछ इस अंदाज में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। महंगाई के बोझ तले दाब रही है और तरली
भाजपा सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई विजय अभियान के जरिए पार्टी का सियासी ग्राफ बढ़ा रहे हैं, लेकिन पिछले सप्ताह सिरसा और जींद में हजका की काफी फजीहत हुई थी और कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए। जो सुना है वो कहा है, आरोप यही है इस पे कि ये व्यापारी आदमी है और इसको लेना देना कुछ नहीं है, बाहर इसके बिजनेस चलते हैं, बैठा विदेश में रहता है और खबरें यहाँ से छपाता रहता है, फोन पे बात करो तो स्विच ऑफ मिलता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसने जो है ना, इसका दिमाग व्यापार की तरफ ज़्यादा है और राज्य की तरफ है ही नहीं। तो इसका तो वो है, धर्मशाला बना रखी है, 350 लोग इसको लगभग छोड़ के चले गए जो आए थे पहले उम्मीद करके, क्योंकि चौधरी भजन लाल जी के कारण ही हम लोग गए थे, भी बड़े आदमी ठीक थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई में तो उनके मामले मुकाबले में कहाँ 5% गुण भी नहीं है। 5% गुण भी होते ना तो हम इसके बाद शायद रह जाते। आज एक खास पैनल हमारे साथ है। इस पैनल के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल हरियाणा में सियासी हवा का रुख क्या है और रैलियों के इस दौर से फायदा किसका होगा। इसके अलावा हरियाणा में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होगा, इस सवाल का जवाब तलाशने की भी हम कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो हमारे प्रदेश में रैलियों का मौसम चल रहा है, लेकिन रैलियों का मौसम क्या सियासी मौसम को बदलने में कामयाब होगा? राजनीतिक दलों की जो रणनीति है, क्या वो वोटरों का हृदय परिवर्तन करवा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है हरियाणा की इस सियासी विषाद पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले हम अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता, आप 3 बार विधायक रहे हैं, उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, राजेंद्र सिंह बिस्ला साहब। बल्लभगढ़ से वो 3 बार चुने गए हैं और अपनी पार्टी में उनका बड़ा कद है। बहुत स्वागत है बिस्ला साहब इंडिया न्यूज हरियाणा के स्टूडियो में। हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश पहल साहब हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश पहल जिला अध्यक्ष हैं जींद बीजेपी के। हमारे साथ रमेश पुलिया साहब हैं, आप BSP प्रभारी हैं सोनीपत लोकसभा सीट के। सुमन दहिया जी कांग्रेस पार्टी के नेता स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। जोगिंदर कालवा साहब हमारे साथ हैं। जोगिंदर कालवा साहब हरियाणा जनहित कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं। प्रदीप गिल साहब हमारे साथ हैं, युवा इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रमोद सहवाग साहब हमारे साथ हैं, प्रदेश महासचिव हैं यूथ कांग्रेस। सुधीर गौतम हमारे साथ हैं, हजका के पूर्व नेता हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही हरियाणा जनहित कांग्रेस ने इन्हें दूसरी बार पार्टी से निष्कासित किया है, खासे नाराज हैं और कुलदीप बिश्नोई को बात बात पर निशाने पर ले रहे हैं। हमारे सहयोगी शक्ति परमार भी हमारे साथ लगातार मौजूद रहेंगे इस पूरी चर्चा में। इंडिया न्यूज हरियाणा इस मौके पर कई सवाल भी उठा रहा है। अक्सर हम अपनी महाभैस में इस तरह के सवाल उठाते हैं कि सियासी स्थिति, सियासी हवा का रुख हमारे प्रदेश में क्या है। सवाल नंबर एक, जो रैलियों पर रैलियां हमारे प्रदेश में हो रही हैं, क्या ये रैलियां हमारे सियासी ग्राफ को बदलने में कामयाब होंगी, क्या इससे वाकई सियासी ग्राफ बदलेगा? सवाल नंबर दो, क्या रैलियां जनमत बनाने का सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि हर रैली से पहले और हर रैली के बाद दावे कुछ इसी तरह से किए जाते हैं। सुषमा स्वराज की खुशी आप देख रहे थे कि सोनीपत में रैली को संबोधित करने के दौरान वो किस तरह से खुश हो रही थी। नतीजों के बाद बीजेपी इस तरह से खुश होती है या नहीं, ये हम अलग देखेंगे। क्या रैलियों से वाकई वोटर प्रभावित होते हैं, क्या रैलियां मतदाताओं के दिलों पर असर छोड़ती हैं और मतदाताओं का हृदय परिवर्तन होता है, ये भी एक सवाल है। क्या रैलियों में जो भीड़ इकट्ठी होती है वो लोकप्रियता का पैमाना है। हम 5वां सवाल अपने दर्शकों से ये पूछ रहे हैं, अपने पैनल से पूछ रहे हैं
कि विजय अभियान के वक्त नेता हरियाणा जनहित कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं, विजय अभियान के वक्त नेता विदाई क्यों ले रहे हैं हजका से, न केवल विदाई ले रहे हैं बल्कि अपने सुप्रीमो पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। सवाल नंबर 6, क्या हजका के विजय अभियान का उल्टा असर हुआ है? ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जब विजय रथ विजय अभियान निकाला जाता है, शंखनाद किया जाता है, तो पार्टी को फायदा होता है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि कई कद्दावर नेता पार्टी से रुखसत हो रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा सवाल नंबर 7 ये उठा रहा है कि इस वक्त सियासी रेस में कौन सी पार्टी सबसे आगे है, आगे चुनावों में होने क्या वाला है, इसके अलावा हरियाणा में इस बार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव लड़े जाएंगे, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल अपने अपने दावे और वादे कर रहा है। तो अपने इस पैनल से हम ये चर्चा करेंगे और ये तमाम सवाल जो हमने उठाए हैं इनके उत्तर समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक दलों के नुमाइंदे इन प्रश्नों के उत्तर क्या देते हैं और अपने उत्तरों में वो कितने ईमानदार हैं। चर्चा शुरू करें, इससे पहले हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।